गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। और यहाँ पे मैं आई हूँ फ्रेश होने के लिए, और यहाँ पे मैं ऑयल डाल रही हूँ स्कूटी पे। एक्चुअली यहाँ पे एक सर है, तो उन्होंने लिया था और मैंने उनसे मांगा था, तो जब से लॉकडाउन हुआ है तब से मैंने यूज़ नहीं करा, ना ज़रूरत पड़ी ऑयल की, तो उन्होंने दिया तो मैंने सोचा चलिए। तो मुझे डांट रहे हैं, बोलते हैं कि आधे से ज़्यादा तो आपने बाहर ही वेस्ट करा। तो यहाँ पे फिर मैंने सोचा चलिए एक बार इसको स्टार्ट कर लेते हैं। काफ़ी टाइम से इसको स्टार्ट नहीं करा था मैंने, सेल्फ से स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन किक किक देनी पड़ी इसको तभी स्टार्ट हुई है। और लेकिन हो गई थी, मैंने सोचा कहीं बैटरी वूटरी डाउन हो जाती है कई बार, तो मैंने इसको थोड़ा सा चला लिया था। तो मैंने इसको अभी चलाया है 28,194 किलोमीटर ओनली सिर्फ। और यहाँ देखिए गंदी हो चुकी है ये, मैंने इसको वॉश नहीं किया काफ़ी टाइम से, मैंने इसको यूज़ भी नहीं करा है। तो बस चलते हैं। अब चलते हैं परे रूम में। और यहाँ देखिए इसने ना, इस फूल ने मेरा रास्ता रोक लिया है, अब मुझे ऐसे जाना पड़ता है साइड साइड से। तो सुबह मॉर्निंग में मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया था, और ब्रेकफास्ट पे बनाया है मैंने यहाँ देखिए परांठा। ब्रेकफास्ट पे और क्या क्या बनता है मुझे ज़रूर बताइएगा। और तो चलिए अब मुझे जाना है पानी के लिए, उसके बाद ही मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून, अभी दिन के बज रहे हैं 2 और लंच का टाइम है। लंच पे मैंने बनाया है कुरकुरा, बनाया नहीं है मार्केट से ले आई हूँ। और लंच बनाने का आज कोई प्लान नहीं है मेरा, मेरा मन नहीं कर रहा है बनाने को, लगता है अब शाम को डिनर होने वाला है।
तो चलिए अब देखती हूँ मैं मूवी, मिलते हैं फिर बाद में, बाय बाय। तो देखिए यहाँ पे मेरा मन चेंज हो गया है, और फिर आप लोगों से बात करने के बाद फिर मैंने सोचा क्यों ना खाना बना लिया जाए, और शाम को भी काम आ जाएगा, और शाम को भी मैं दिन को अगर सब्जी दाल बनाती हूँ ना तो वो शाम को भी काम आ जाता है और बच जाता है, और अकेले हूँ और फिर बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं गोभी और आलू की सब्ज़ी, और तो बस इसमें मैं तड़का लगा दूँगी, और तड़का लगाने के बाद इसको पका लूँगी और 4-5 चपाती बना लूँगी। तो बस हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, और शाम के बज रहे हैं 6:30 का टाइम है, और मैं अभी सो के उठी हूँ और मैं टेरिस पे आई हूँ सीधा ही जब मैं सो के उठी तो उसके बाद मेरा मन ख़राब सा था, पता नहीं क्यों एकदम से घर की याद आई। और आजकल मुझे जब मैं सोती हूँ तब भी मुझे घर की याद आती है, और जब मैं उठती हूँ तब भी मुझे घर की याद आती है एकदम से ही। और तो फिर मन उदास सा है आज कुछ, और मैंने सोचा चलिए मैं टेरिस के ऊपर आ जाती हूँ और थोड़ा सा फ्रेश हो जाती हूँ। अभी मैं दूध के लिए भी नहीं गई हूँ, अभी मुझे दूध लाने भी जाना है। और एक्चुअली मैंने यहाँ गांव से दूध लगवाया है ना, तो मुझे उसको लेने जाना है। और मुझे कोई बोल रहे थे कि आप कैमरे को फेस नहीं करते हो और आप इधर उधर देखते हो, मुझे पता नहीं चलता है, मुझे अभी कैमरा अच्छे से फेस नहीं करना आता है। तो बोला मुझे किसी ने कि कैमरे की तरफ देखना है आपको, तो मैं अभी कैमरे की तरफ देख रही हूँ। और यहाँ का मौसम अभी ठंडा सा है, और यहाँ पे मतलब मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखा है, और बस गर्मी हो गई है, और टेरिस पहनने का मन करता है शाम को, रूम में काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहती है। और क्या बोलूँ, चलिए मैं आपको यहाँ का मौसम दिखा देती हूँ। काले काले बादल, और बादलों के बीच सूरज, और सूरज की किरणें थोड़ी थोड़ी सी हमारे शहर के ऊपर, और साथ साथ में काले बादल का असर हमारे शहर के ऊपर, और बीच बीच में काला दिख रहा है, और बीच बीच सूर्य जी अपनी रोशनी दिखा रहे हैं, और कुछ ठंडी हवाएं चली है। तो एवरीवन, फिर चलिए मैं भी चलती हूँ अब नीचे, और मैं ब्लॉगिंग की